तो फिर आगे चलते हैं, इस भाई से मिलते हैं। तो भाई राम राम। जय श्री राम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक। आपका नाम? नदीम। नदीम भाई का नाम है, सही। तो ये पीछे घर जो बन रहा है ये आपका है? जी हाँ। सही, तो आप इधर ही रहते हो ना? इधर रहते हैं। सही, कितना अर्सा हुआ इधर आपको? ये 15-20 साल हो गए। सही सही, तो आप काम काज क्या करते हो? ये मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्रियों का, सही है, अपना घर खुद बना रहे हैं, देख लो फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो राम राम भाई। राम राम। कैसे हो भैया? ठीक, आप अपना सुनाए। ठीक है भाई, आपका नाम? आमर। आमर भाई का नाम है, सही। आमर, तो ये घर आपका है? आमर जी। सही सही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आमर भाई। शुक्रिया। तो आमर भाई, इधर आप काम काज क्या करते हो? काम हम रक्षा चलाता हूँ। रक्षा, सही, रिक्शा चलाते हो। कितना दिहाड़ी बन जाता है आपका? बस पेट्रोल वगैरह निकाल के बहुत 500-600 बन जाता है। बिल्कुल सही सही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इस भाई से मिलाते हैं। तो भाई राम राम। राम राम भाई। कैसे हो भाई? ठीक है भाई। आपका नाम? रोहेल। राहुल। सही, राहुल भाई का नाम है। तो आप इधर क्या कर रहे हो बैठे हुए? दूध बेच रहे हो। दूध बेचते हो? सही, तो दूध दिखाना हमें। सही, तो फ्रेंड ये दूध बेच रहे भाई। तो आपसे इधर कौन कौन लेने आते हैं दूध? ये सारे ग्राहक आते हैं। सारे ग्राहक, यानी कि हमारे हिंदू या मुसलमान भी आते हैं? हिंदू ही आते हैं, मुसलमान मुसलमान भी आते हैं। सही, तो सही है। तो भैया ये दूध आप कैसे ले आके आते हो? 130 रुपये। सही, तो बेचते कैसे हो? 150 रुपये। 150 रुपये बेचते हो, यानी कि 20 रुपये रखते हैं किलो के पीछे। सही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। परिधीत घर है गांव में लोगों के, देख लो, जो कि बहुत ही कच्चे बनाए हुए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा होगा धुंध वगैरह, देख सकते हो। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, ये भी हमारे हिंदुओं के घर हैं, तो इनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो ये देख लो, यानी कि कैसे रहते हैं इधर, हालें वगैरह बनाई हुई हैं, छापरों से बनाया हुआ घर इन्होंने। तो फ्रेंड ये देख लो, ये है पाकिस्तानी हिंदू बच्चे, देख लो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, और कुछ टक्कर यानी कि गोलियां खेल रहे हैं, और काफ़ी एंटरटेन हो रहे हैं। यानी कि एक पाठशाला बनाई हुई, इधर कचरा लोगों ने डाल के ना, देखिए कचरा डाल, और इधर देखो बच्चियाँ खेल रहे हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स गाँव में ना इन भाइयों का घर है। तो भाई राम राम। राम। तो भाई कैसे हो आप? ठीक ठाक। सही, तो आपको इधर कितना अर्सा हो गया है? अर्सा हो गया है 30 साल। 30 साल। तो आपका नाम? अर्जुन। अर्जुन दास। तो आप अपना घर वगैरह दिखाएंगे हमें? देख लो। चलो फिर आओ हमारे साथ। तो फ्रेंड ये भाई हमें दिखाएंगे अब अपना घर, और इनका यानी के जो माल छाल, इन जानवर वगैरह, गाय वगैरह है, वो भी दिखाएंगे ये भाई हमें। तो चलते हैं इनके घर। तो ये अपना कमरा दिखाएंगे। तो ये है इन भाइयों का कमरा, देख लो। नीचे है। सही, तो ये देख लो, ये इनकी संदूक है। तो भैया ये ऊपर क्या टिंग आया हुआ है? ये वाला जो झली में सामान रखने के लिए। सही, तो ये इनके कपड़े हैं, देख लो फ्रेंड्स। और ये इधर भाई सोते हैं, तो अभी इन्होंने ना उठे अभी हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो ये इनके बर्तन है, देख लो। और ये ऊपर छत है, देख लो। और इधर है इनका मंदिर, और इनका ये मंदिर है जो इनके इधर नमस्कार करते हैं इनके बच्चे। तो भैया ये सारे बच्चे आपके हैं? जी हाँ। तो मैं इनका एक एक से नाम पूछूंगा, तो ये मुझे बताएंगे। तो आपका नाम क्या है बहन? संध्या। संध्या। और ये बच्चे का नाम? राहुल। राहुल। आपका? नीरज। नीरज। आपका बहन? पूनम। पूनम। आपका? दुलद। हाँ, दुलद। सूरज। सूरज। सही, तो सूरज। आपका भैया? सुरेश। सुरेश। आपका? दानेश। दानेश। सही, इस भाई का नाम अर्जुन राम है, जो यानी कि इनके पिता हैं इन सब बच्चों के, देख लो। सही, तो इधर आप यानी कि रहते हो, कोई आपको इधर तंग वगैरह तो नहीं करते ना? तंग तो नहीं करते, विंगारा सिंगारा चलते हैं। अच्छा, मुखत मुखत खोरी करते हो, फिर बाद में सही रहते हो। सही सही सही, तो इधर आप यानी कि जो दाने वगैरह होते हैं ये फसलों में यानी कटाई करने जाते हो, फिर कमा के आते हो ना? सही, तो आप कपास भी चुनते हो? जा। सही, कपास का भी काम करते हैं फ्रेंड ये भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो फ्रेंड इधर हिंदू भाइयों की शॉप है, तो इस भाई से मिलते हैं। तो राम राम भाया। जय श्री राम भाई। कैसे हो भाई? ठीक भाया। ये शॉप आपकी है जी? आपका नाम क्या है? संगीत कुमार। संगीत कुमार। हाँ। सही, तो संगीत कुमार आपको इधर कितना अर्सा हुआ है शॉप लगाए हुए? साल हो गया एक। एक साल हुआ है। हाँ। तो कुछ यानी कि इसके अंदर बनता भी है दिहाड़ी? हाँ, सही बन जाता है, भगवान की दिया है। कितना बन जाता है दिहाड़ी? 700-800 रुपये बच जाता है, 1000 रुपये भी बच जाता है।
हजार रुपये बच जाता है, 700-800 बैठे हुए से। तो देख लो ये शॉप है भाई की, तो अंदर चल के सारा दिखाते हैं ये शॉप फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये देख लो इधर पॉप्स पड़े हुए हैं, हर किस्म के पॉप्स हैं, मीठे भी है और खट्टे भी है और नमकीन भी है। देख लो और आगे चलते हैं और ये देखो पॉप्स पड़े हुए हैं, यानी कि इस तरह पैकेट में होते हैं, फिर उसके अंदर से इस तरह के छोटे छोटे होते हैं पैकेट। तो इस भाई ने इधर टिंगाए हुए हैं देख लो। तो फ्रेंड्स ये देख लो इधर है ना बिस्किट वगैरह पड़े हैं, और ये घी पड़ा हुआ है यानी कि पहिया वाला है, पहिया 100 ग्राम का है। सही, ये कितने का है संगीत भाई? ये 60 रुपए की थैली है, 60 रुपए की थैली 100 ग्राम की। हाँ। सही, तो ये जो आधा किलो घी पड़ा है ये कैसे है? ये आधा किलो ये ना? आधा किलो ये 220 रुपए की थैली है, 220 किलो। हाँ। कैसे है ये? किलो ये 440 रुपए, 440 रुपए किलो घी है। सही, तो इधर देख लो सुपर बिस्किट पड़े हैं, टफ भी है, टफ जो यानी कि शुगर वाले होते हैं ना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये टफ बिस्किट। और उधर बबले पड़ी है और ये पापे यानी कि चाय में डुबो के खाने वाले। और ये देख लो ये मंदिर बनाया हुआ है, देख लो लक्ष्मी माता जी। और ये अगरबत्ती पड़ी है यानी कि अगरबत्ती इधर जलाते हैं फ्रेंड्स। तो संगीत भाई इधर आपकी ज़्यादातर कौन सी चीज़ें बिकती है? हमारी ज्यादातर इधर बिकती है पापड़ हो गई, ये पापड़ बिकते पॉप्स। सही, पॉप्स। हाँ। और उसके बाद क्लियर टॉफी, ये वाली क्लियर क्लियर टॉफी देख। हाँ। लो कितने डब्बे लगाए हुए क्लियर के। सही, और ये एक सोन हलवा टॉफी, सोन हलवा उसके ऊपर पड़ी है देख। हाँ। लो ये है सोन हलवा। सही, तो और भी इधर कोई ज्यादा चीजें बिकती हैं या बस यही बिकती है? सही, यही बिकती है, और भी बिकते हैं आइटम। सही आइटम, जैसे ग्राहक आते हैं ना इनसे लेने तो ऐसे ये देते हैं चीजें। सही, तो ये देख लो ये इधर चने पड़े हैं और फुलियाँ पड़ी हैं देख लो। और ये रेवड़ी है यानी कि कढ़ी वगैरह में इस्तेमाल आती है, सालन वगैरह पकाने में ना ये काम आती है। और ये चने हैं देख लो। तो संगीत भाई ये जो चीनी का ठेला पड़ा हुआ है, चीनी हम दिखाते हैं पाकिस्तानी चीनी देख लो, ये कैसे बोरा मिलता है या किलो के साथ? नहीं नहीं, बोरा मिलता है, 50 किलो का बोरा होता है, 4500 रुपए मिलता है, 4500 रुपए का। सही, 50 किलो का, 50 किलो होता है, 4500 का मिलता। हाँ। है, और आप कैसे देते हो? हम बेचते हैं 90 रुपए किलो, 90 रुपए किलो। सही। हाँ। सही, तो इधर आप सिगरेट वगैरह भी बेचते हो? हाँ, कैप्टन, मार्वन, किसान, इधर इस तरह की होते हैं सिगरेट्स देख लो फ्रेंड्स। ये यानी क्या कैप्टन है, ये कैप्टन कितने की डब्बी है? ये 120 रुपए की मेरे भाई, 120 की। ये किसान, ये 70 रुपए की। सही, किसान 70 रुपए की। और ये देख लो ये इस तरह की होती है इधर स्वीटें। सही, तो संगीत भाई इधर आपसे हमारे हिंदू ही लोग लेने आते हैं सामान या कोई और भी मुस्लिम, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन हो गए वो? नहीं, आते हैं हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। सही सही, सारे लेने आते हैं। तो कोई ऐतराज़ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं करते, कोई भी ऐतराज़। सही सही है। तो ये लड्डू है संगीत भाई? हाँ। ये कैसे एक लड्डू है? ये 5 रुपए का एक है मेरे भाई, 5 रुपए का एक लड्डू मिलता है फ्रेंड्स इधर से ये। तो संगीत भाई आपके मम्मी डैडी हैं या नहीं? पापा की डेड तो हो गई, मम्मी है। सही, मेरे 4 भाई हैं, एक छोटा छोटा मैं हूँ, 3 मुझसे बड़े हैं, वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, फ्रूट की। तो हाँ। सही है, तो जब वो फ्रूट बेचेंगे ना, बेचने जाएंगे तो वो दिखाएंगे हम आपको। ठीक ठीक। तो फ्रेंड ये संगीत कुमार के भाई की रेडी है देख लो। तो ये भाई है और ये संगीत कुमार है। तो आपका नाम क्या है भैया? दीवान दास इस भाई का नाम है। तो ये फ्रूट बेचने जा रहे हैं देख लो, सुबह सुबह बनाना, ये माल्टे पड़े हुए हैं, ये अमरूद है और ये बनाना, और ये भाई बेचने जा रहे हैं। तो भाई राम राम, कैसे हो आप? कैसे हो आप? कहाँ जा रहे हो? फ्रूट बेचने जा रहे हो? आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील, तो ये आपकी रेडी है भैया? सही सही। तो संगीत भाई ये अंडे कैसे दे रहे हो आप? 25 रुपए का एक अंडा। तो फ्रेंड्स इधर देख लो, मुर्गी का अंडा भी 25 रुपए का है। तो इधर महंगाई ज्यादा है ना, इस करके हर चीज के ऊपर यानी के रेट बढ़ाया हुआ है। और पीछे देख लो शॉप पड़ी है, शॉप यानी के साबुन नहाने वाली, लाइफ बॉय और लक्स। तो ये लाइफ बॉय साबुन कैसे दे रहे हो भैया? 1.50 की 1.90 की है, 1.50 की 1.90 की। हाँ। सही, और वो जो लक्स पड़ी है वो 110 की 1.45 की है, 110 और एक छोटे वाली 45 की, बड़े वाली 110 की। सही है। सो फ्रेंड ये देख लो, ये हिंदू यानी कि एक किस्म का सिटी तो नहीं है पर हाँ शहर है। तो ये लड़का आ रहा है, ये इससे पूछते हैं कि इसका नाम और इसका क्या पता। तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सूरज कुमार है भाई। सूरज कुमार, तो आप इधर ही रहते हो? जी भाई। स्कूल भी पढ़ते हो आप? जी भाई। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में पढ़ रहे हैं भाई। सही, आज इतवार के दिन छुट्टी है। सही है, सही है। तो भाई राम राम, कैसे हो? जय श्री राम भाई, ठीक है आप? आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश, तो ये पिछला घर आपका है? ये जी हाँ। सही, ये इनका घर है देख लो फ्रेंड्स। सही, तो आपके इधर कितना अरसा हुआ है राजा भाई?
बचपन यहीं पे गुजरा है। सही, बचपन इधर ही गुजरा है। सही सही, आपके माता पिता भी हैं? जी सही सही, तो वो काम काज करने जी। सही सही, बहुत बहुत धन्यवाद राजा भाई।